तो हाँ दोस्तों, अब तक हम लोगों ने नरेशन में यदि देखा जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा की थी। इम्परेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्या कंजक्शन लगा, सेड टू को किस में कन्वर्ट किए, क्या क्या रूल थे, चेंज ऑफ पर्सन देखे, चेंज ऑफ टेंस देखे, सब देखें। यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक्समेट्री सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्समेट्री सेंटेंस होते क्या हैं। यदि हम लोग एक्समेट्री सेंटेंस पहले समझ लेंगे तो शायद उसकी फीलिंग को बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है एक्समेट्री सेंटेंस में सेड टू को जिसमें कन्वर्ट करना है टोटल डिपेंड करेगा कि आप उसके भाव को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। यदि आप जो सेंटेंस कहेगा उसके भाव को नहीं पकड़ पाएंगे तो सेड टू को किसमें चेंज करना है शायद आप बदल नहीं पाएंगे। तो ओके, एक्समेट्री सेंटेंस वे होते हैं दोज सेंटेंस विच गिव्स सडन फीलिंग इन एनी सेंटेंस। वे सेंटेंस जिस सेंटेंस में अचानक फीलिंग की भाव आती है, लाइक एज बहुत अधिक खुशी, इट मीन्स अ लॉट ऑफ जॉय या लॉट ऑफ सारो, ब्रेओ मतलब बहुत अधिक सुखी, दुखी, आश्चर्यजनक, बहादुरी वाली बात आती है, उधर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्समेटिव सेंटेंस होते हैं। जिसको बोल सकते हैं सडन फीलिंग। सडन फीलिंग मतलब अचानक भाव, अचानक भाव। ओके, यदि खुशी की बात आती है तो उसको जॉय बोलते हैं, दुखी की बात आती है सारो, आश्चर्यजनक की बात होती है तो सरप्राइज, और बहादुरी की बात आती है तो उधर को अप्लॉडेड लगाते हैं। ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे। यदि सुख की बात रहेगी तो एक्सलेम्ड विद जॉय लगाएंगे या डिलाइट रहेंगे। यदि दुखी की बात रहेगी तो एक्सलेम्ड विद सारो, इट मीन सेड टू को इसमें बदला जाएगा। यदि सरप्राइज की बात रहेगी तो एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, यदि बहादुरी की बात रहेगी तो अप्लॉडेड लगाया जाता है। ओके, और कभी कभी किसी जगह पर गुड हेवेंस आता है, गुड हेवेंस, उस जगह पर भी हम लोग सरप्राइज ही लगाते हैं। तो अभी एग्जाम्पल हमको मिलेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम लोग समझते हैं। देखिए, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ही सेड हुर्रा, उसने कहा है, हुर्रा मतलब खुशी की बात है कि मेरा पुराना दोस्त आ गया है। ओके, तो ही सेड तो लिखेंगे ही, और सेड को जॉय खुशी की बात है तो एक्सलेम्ड विद जॉय, तो ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सलेम्ड विद जॉय, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है ना, हु हा करते हैं ना, एक्सलेम्ड विद जॉय। कंजक्शन क्या लगाते हैं हम लोग, दैट ही लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। और ये याद रखना, जब कंजक्शन दैट लग गया तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा किस में रहता है, असर्टिव सेंटेंस में। ये मैं पहले ही बताया था, दैट यदि कहाँ पर भी कंजक्शन आ जाते हैं तो उसके बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं हमेशा किस में होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो, माई ओल्ड फ्रेंड ये पॉसेसिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इट मीन्स ही का पॉसेसिव केस हिज ओल्ड फ्रेंड, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज का किस में हो जाएगा, हैड में, कम के कम। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, हुर्रा वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो, मेरे पास कल बहुत ही जानदार छुट्टी रहेगा। ओके, हुर्रा फिर से खुशी की वाली बात है, तो जब खुशी वाली बात है तो किस में चेंज करेंगे सेड टू को, एक्सलेम्ड विद जॉय और कंजक्शन दैट। यही तो दो चीज़ें याद रखना है, कंजक्शन और सेड टू को किस में बदलना है। ओके, देखते हैं। अब देखिए, द बॉय सेड, इट मीन्स द बॉय एक्सलेम्ड विद जॉय, द बॉय एक्सलेम्ड विद जॉय या डिलाइट लगा सकते हैं, दैट वी फर्स्ट पर्सन प्यूरल केस, तो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, तो बॉय के अनुसार इसका प्यूरल क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का प्यूरल दे, सेल का किस में होता, शुड हैव, दे शुड हैव जॉली हॉलीडे टुमारो का, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो जहां पर खुशी की बात आई तो हमने क्या लगाया, एक्सलेम्ड विद जॉय लगाया, लेकिन जब जहां पर दुखी की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, एक्सलेम्ड विद सारो। एलास,
ये रिप्रेजेंट करता है कि दुख की बात है. ही सेड आई एम रुइंड, ही सेड एलास आई एम रुइंड, उसने कहा ओ मैं बर्बाद हो गया, दुख की बात है. तो ही एक्सलेम्ड विद सारो, ही एक्सलेम्ड विद सारो. और हुर्रा एलास जो है ये सब चीज़ें नहीं लिखते, कंजक्शन दैट लगाते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार. तो ही इज एमर कन्वर्ट हो गया वाज में, तो ही वाज रुंड, वह बर्बाद हो. द बॉय सेड एलास हीज नो मोर, वह अब नहीं रहा. तो द बॉय फिर से दुखी वाली बात है. तो द बॉय एक्सलेम्ड विद सारो, दुखी के साथ है भाई, विद सारो. थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग नहीं. दैट ही इज ए मार वाच में, ही वाच नो मोर. ओके, तो हमने दो देखा, सुख की बात आई तो एक्सलेम्ड विद जॉय, दुख की बात है तो एक्सलेम्ड विद. तो तीसरा बहादुरी वाला बात है, क्योंकि ब्रेव आएगा, ब्रेव साबस, बहादुरी वाली बात है, साबस. ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा, ब्रेव यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, साबस साबस, तुमने बहुत अच्छा किया. तो ही अब ब्रेव आता है तो क्या चेंज करेंगे, अपलॉडेड, ए डबल पी एल ए यू डी डी, ही अपलॉडेड अस, कंजक्शन दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो अस, अस का सब्जेक्टिव केस मतलब वी, हैव का हैड, वी हैड डन वेल. ओके, द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स, कैप्टन ने प्लेयर्स का ब्रेवो वेल डन, साबस, बहुत अच्छा. द कैप्टन, इट मीन्स द कैप्टन अप्लॉडेड प्लेयर्स that well done. Okay, तो जहां पर बहादुरी वाली बात है उधर को अपलॉडेड में चेंज किया. तो तीन हो गए, एक जॉय हो गया, एक सौरो हो गया और एक अपलॉडेड हो गया. अब हमको मिलेंगे आश्चर्यजनक वाले, आश्चर्यजनक. ही राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हाउ फास्ट यू आर टॉकिंग, कितना तेज तुम बात कर रहे हो. ए क्या है, बहुत तेज अर्थात क्या बात कर, हाउ फास्ट इस प्रकार से बात आ गई. तो हाउ का मतलब कैसे नहीं होगा, दिखने में लगते इंटरोगेटिव लेकिन इंटरोगेटिव होते ही नहीं है, होते हैं एक्समेटिव सेंटेंस के. हाउ फास्ट यू आर टॉकिंग अर्थात तुम कितना तेज बताते, किसी काम की अधिकता बता रहा है. तो जब किसी काम की अधिकता बताता है तो भी हमारा क्या है, एक्समेटिव सेंटेंस, और ये आश्चर्यजनक वाली बात है. तो हम लोग क्या करते, राम एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्यजनक के साथ कहता है दैट हाउ फास्ट यू आर टॉकिंग, कितना तेज तुम बात कर रहे हो, अर्थात यू आर तुम बहुत तेज बात कर रहे हो. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो हमको लिखना पड़ेगा जी, राम एक्सलेम्ड विद सरप्राइज हिम. अब हिम हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हिम के अनुसार ही इज ए मार, ही वाज टॉकिंग, वो बात कर रहा था वेरी फास्ट, ही वाज टॉकिंग वेरी फास्ट, क्योंकि चेंजिंग तो होना ही होना है. ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, कितना मैं मूर्ख हूं. तो ही एक्सलेम्ड, ही एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि कितना अधिकता की बात है, दैट लगाए, व्हाट अ फूल अर्थात मैं बहुत अधिक मूर्ख हूँ. तो आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो ही हो गया, ही वाज टू फूल अर्थात वो बहुत अधिक क्या है, मूर्ख है. दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, उसने कहा क्या कितना सुंदर फूल है, अर्थात दे एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, दे एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, उन्होंने आश्चर्यजनक के साथ कहा दैट व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, कितना सुंदर ये
फूल है तो बोलेंगे इट इज सो नाइस फ्लावर, है बहुत ही सुंदर, इट इज सो नाइस फ्लावर, ये बहुत ही सुंदर फूल है। ओके आगे हम लोग देखते हैं, द टीचर सेड व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, तुम कितने शरारती, टीचर ने कहा कि तुम कितने शरारती लड़के हो, अर्थात तुम बहुत अधिक शरारती लड़के हो। द टीचर, देखो यू आ गया ना तो इसमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो द टीचर एक्सलेम्ड विद सरप्राइज यू दैट यू आर को वाजवेयर में यू वेयर सो नाटी बॉय, यू आर सो नाटी बॉय। ओके मंजू सेड हाउ क्लेवर आई एम, मंजू सेड तो मंजू एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, एक्सलेम्ड विद सरप्राइज दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो मंजू फीमेल है तो सी वाज सो या लगा सकते हैं वेरी, सी वाज वेरी क्लेवर था तो बहुत ही चतुर है। ओके तो इस पर कभी कभी हम लोगों को ऐसे भी मिल जाते हैं गुड हेवेंस और हमारे रिपोर्टेड स्पीचर बिल्कुल हमारे पहले रहते हैं रिपोर्टिंग और बाद में रहते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, काम वही करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माय की समवेयर, मैंने अपनी चाबी खो दी, ही सेड, उसने कहा। तो जहाँ पर गुड हेवेंस की बात है तो वहाँ पर एक्सलेंट विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं या रिग्रेट भी लिख सकते हैं। ओके तो हम लोग लिखते हैं ही सेड क्योंकि रिपोर्टिंग और यहाँ पर है तो हम लोग लिखेंगे ही एक्सलेंट, ही एक्सलेंट विद रिग्रेट, रिग्रेट लिख सकते हैं या सरप्राइज लिख सकते हैं। दैट लगा दिए, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो ही, इट मीन्स ही हैड, है जब किस में हो जाएगा हैड में, ही हैड ड्रॉप्ड माई का हिज में, हिज की समवेयर, समवेयर। आगे द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी आग पकड़ ली है। द ओल्ड मैन एक्सलेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट दैट द हट हैज कॉट फायर, इट मीन्स द हट हैज अब किस में हो जाएगा हैज काट फायर। ओके तो इस तरीके से आपका एक्समेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत आसानी से चेंज कर दी। समझना क्या है आपको, यदि पूरा यदि निचोड़ समझें तो समझना क्या है, खास करके समझना के सेंस ही समझना है, किसको किस में चेंज करना है। एक चीज खास रखो यार, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा, दैट लगा, कंजक्शन क्या लगा है दैट लगा, और सेट टू को किस में बदले हैं, पहले सेट टू को एक्सलेंट विद जॉय या डिलाइट, दूसरा एक्सलेंट विद सारो, तीसरा एक्सलेंट विद सरप्राइज, और यदि ब्रेव बहादुरी की बात आती तो अप्लॉटेड, और गुड हेवेंस आते हैं तो वहाँ पर एक्सलेंट विद रिग्रेट या सरप्राइज दोनों लिख सकते हैं। यही जो चेंज करना, और बाकी चेंज ऑफ रूल्स, चेंज ऑफ टेंस, बाकी सब सेम है, सब चीज़ें सेम है, तो बाकी तो चीज़ें पुरानी है। और एक्समेटिव सेंटेंस को यदि थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो बाकी से बड़ा ही ये आसान है, कुछ है ही नहीं। ओके दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कम से कम 1000 लाइक तो चाहिए ही चाहिए।